हेलो फ्रेंड्स, अब जब भी मीठा खाने का मन हो तो घर में रखे कुछ सामानों से फटाफट बना डालिए आप ब्रेड मलाई चमचम। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही लाजवाब है। यकीन मानिए, एक बार मिठाई आप बना के देखिए, हर किसी को पसंद आने वाला है यह ब्रेड मलाई चमचम। नमस्कार, मैं नीतू मिश्रा, मेरे YouTube चैनल स्वाद इंडिया स्वैग इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ब्रेड मलाई चमचम बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी के लिए एक बर्तन को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, इसी में एक कप पानी डाल दिया। अब इसी में मैं डालूंगी एक कप चीनी, मतलब जितना पानी उतना ही चीनी डालना है। अब फ्लेवर के लिए इसमें डालूंगी दो इलायची, आप चाहे तो गुलाब जल या केवड़ा जल भी यूज कर सकते हैं। अब इसी में मैं डालूंगी थोड़ा सा कलर, आर्टिफिशियल कलर, मैंने ऑरेंज कलर लिया है, आप अपने मन पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। अब इसे चलाते हुए इसमें हम उबाल ले लेंगे। चाशनी में जैसे ही उबाल आएगा तो इसे हम 5 मिनट तक और उबालेंगे ताकि थोड़ी चाशनी हमारी गाढ़ी हो जाए। अब चाशनी तैयार हो गया है, चेक कर लेते हैं। जब हाथ पे लेके इस तरह से थोड़ा सा स्लिपरी सा महसूस हो, इसका मतलब हमारा चाशनी तैयार है। अब इसे रखेंगे रेस्ट पे। एक बर्तन लूंगी मैं, अब इसमें मैं डालूंगी 1 कप मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर की जगह ताजी क्रीम अगर आपके पास हो तो आप उसे यूज करिए। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक स्मूथ सा क्रीमी पेस्ट तैयार कर लूंगी। बहुत ज़्यादा दूध न डालें, नहीं तो आपका दूध पाउडर बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालकर फिर इसका क्रीमी सा स्मूथ सा हमें एक बैटर तैयार कर लेना है। अब इसी में मैं डालूंगी 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा, और इसी में डालूंगी 2 चम्मच चीनी का पाउडर। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो चीनी के पाउडर को 1 चम्मच ही डालें। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर थोड़ा सा टाइट हो गया है तो इसमें अब हम 2 चम्मच दूध और डाल देंगे। मैंने 2 चम्मच दूध डाल दिया है, अब इसे मिक्स कर लूंगी मैं अच्छे से। मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो आपके पास आते रहें। अब इसी में मैं डालूंगी किशमिश, बादाम, काजू, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये लीजिए, हमारा तैयार हो गया है मिल्क पाउडर से एक क्रीमी स्मूथ बैटर। अब इस क्रीमी स्मूथ बैटर को रखेंगे हम साइड में, इसका थोड़ी देर बाद यूज करेंगे। पहले हम ब्रेड को लेके उसे कट कर लेते हैं। तो ब्रेड को कट करने के लिए हम यूज करेंगे एक ग्लास। आपके पास अगर कटर है तो कटर यूज करें, या फिर कटोरी या फिर कोई भी इस तरह का बर्तन आप यूज कर सकते हैं। अब इसे मैं ब्रेड के ऊपर दबाते हुए घुमा दूंगी जिससे एकदम परफेक्ट गोलाकार ब्रेड कट के तैयार हो जाएगा। अब बचे हुए ब्रेड को हम फेंकेंगे नहीं, इसका ब्रेड क्रम बना के दूसरे डिश में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने ब्रेड के स्लाइसेस कट कर लिए हैं। अब एक ब्रेड के स्लाइस खोलूंगी और इस पे लगा देंगे मिल्क पाउडर से बना हुआ हमारा स्मूथ सा क्रीम, और उसे चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। दूसरे ब्रेड के स्लाइस से इसे हम कवर अप कर देंगे, मतलब ढक देंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे ब्रेड पे मिल्क क्रीम लगा के और दूसरे ब्रेड के स्लाइस से इसे ढक देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, मैंने सारे ब्रेड को भर के तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे चाशनी जो हमने पहले ही बना के रखा हुआ है। ये लगभग ठंडा हो गया है। अब एक एक ब्रेड के स्लाइस को उठा के इसमें डीप कर देंगे जिसमें हमने क्रीम पहले से ही भर रखा है, और इसे निकालने के बाद हम डालेंगे नारियल के बुरादे में यानी डेसिकेटेड कोकोनट के अंदर इसे हमें कोट करना है। अब इसी तरह से सारे ब्रेड को हम
चाशनी में डीप करेंगे और निकाल के नारियल पाउडर से डस्ट करते जाएंगे इस पे और एक प्लेट में रखते जाएंगे, जिससे हमारा ब्रेड मलाई चमचम बनके तैयार हो जाएगा। देखिए ये तैयार हो गया है। इसे मैं गार्निश कर रही हूँ टूटी फ्रूटी और बारीक कटे हुए पिस्ता से। देखिए लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसा ब्रेड मलाई चमचम। तो आप भी बनाएं, अपने परिवार को खिलाएं। स्वाद कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए एक ब्रेड मलाई चमचम को काट के दिखाती हूँ। देखिए कितना स्मूथली ये कट जाएगा और इसके अंदर फिलिंग कितनी अच्छे से भरी हुई है। एकदम रसीले स्मूथ ब्रेड मलाई चमचम बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।